हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज हमारे घर बारबेक्यू बन रहा है और सीख कबाब भी बन रहे थे, लेकिन सीख कबाब तो बन चुके और जब बारबेक्यू बनने लगे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हुए चलते हैं। तो बड़े मज़े का बारबेक्यू था, तो बहुत ही अच्छा ना बनाया। मतलब हमने एक कुक बुलाया हुआ था, उसने हमें बना के दी, इतना नरम इतना सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा ना। तो सब ने, बच्चों ने और हमारे गेस्ट ने बहुत इंजॉय किया। आई होप आप भी इंजॉय करेंगे। तो दिल तो मेरा बहुत करता है मैं वीडियो बनाती रहूं, लेकिन आजकल मुझे टाइम ही नहीं मिलता, खासकर कुकिंग के टाइम तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती। मोबाइल कहाँ मैं छोड़ देती हूं और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि कुकिंग करते हुए क्या डिश बनाई है क्या नहीं। तो हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तो कुकिंग से स्टार्ट किया था, तो चीज़ें तो बनती रहती हैं कुछ ना कुछ नई। रात को भी अच्छा खासा खाना मेन्यू था, गेस्ट आए हुए थे, लेकिन कोई नहीं, फिर वो बस मोबाइल को होल्ड करना, कैसे पकड़ना है, कहाँ रखना है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुझे आपने कमेंट्स में ये बताना है कि मोबाइल को कैसे हैंग करना होता है प्रॉपरली, कहाँ कौन पकड़ के रखता है, कि कोई स्टैंड रखना चाहिए जहाँ पे सिर्फ कुकिंग की कैसे वीडियो बनानी चाहिए, जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और मैं बना नहीं पा रही, क्योंकि घर में बच्चे हैं, फैमिली है माशाल्लाह से हमारी, और चीज़ कोई ना कोई बनती रहती है। हलीम बन जाती है, रात को मटन पुलाव बना हुआ था, फिर उसके साथ पास्ता बना हुआ था, मतलब इतनी चीज़ें बनती है, बंदा किसी एक ही डिश आउट बना लेता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे बनाना है ना, कैसे मैनेज करना है इस चैनल को। तो मुझे आपने हेल्प करना है और गाइड करना है। तो शायद बच्चों के साथ बिज़ी होती हूँ या मेरी अपनी रूटीन थोड़ी सी इस तरह से है, तो मोबाइल हर वक्त मतलब मुझे ऐसे अजीब सा फील होता है कि अभी कुकिंग के टाइम मुझे बिल्कुल भूल जाता है कि मैंने मोबाइल लेके आना। तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट्स में आपने बताना है और मेरी हेल्प करनी है कि मैंने इसके बाद क्या करना है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सारा देख के। ये हम आज हमारे घर में पार्टी थी, तो हमने कहा पहले हम बारबेक्यू खाएंगे और उसके बाद सब कुछ चलेगा। तो मशरूम्स एंड चिकन कॉर्न सूप भी हमने बनाया हुआ था, काफ़ी चीज़ें बनाई थी। मेरा दिल था जब मैं मेहमानों को डिस्प्ले करूँगी, लेकिन उस टाइम इंसान इतना बिज़ी होता है कि एक मिनट का गैप नहीं होता। और कुछ अगर मेहमान आपके थोड़े से गेस्ट दूसरे वाले हों जिनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होता, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही आपके पास टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कि कैसे पहले वीडियो बनानी है और फिर इनको सर्व करना है। चले, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि पूरी वीडियो बनाऊँ और आपको सारी दिखाया करूँ। तो इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे और मुझे भी मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सब के लिए खैर वाफियत रखे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।